राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया और उसी तरह हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा के अध्यक्ष वो भी शेड्यूल कास्ट की महिला बनी। अरे हमको सिखाते हो जो लोग उन लोगों के लिए आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान दी, उन लोगों को आप कह रहे हो कि आप कुछ नहीं करे देश के लिए। तो भाइयों, आप लोगों को सोचना है कि आप लोग अगर कांग्रेस के झंडा और डंडा उसका मजबूत करे तो आप देखिए देश में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर खास करके मध्य प्रदेश में भारी परिवर्तन होगा। ये जो चौहान साहब है, अब उनको याद आया जो गरीब लोगों का, मैं देख रहा था दो तीन जगह फोटो उनके, वो अब जैसा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसा ही ये चौहान साहब क्या कर रहे, कई महिला मिली कोई अगर नमस्ते करी तो उसको गले लगा ले रहे, वो फोटो देखे ना परसों तरसों आया था। और कई बच्चा मिला तो उसको उठा के लाडली बोल के बगल में ले रहे। अरे वही 18 साल से उस बच्चे को नहीं देखे, 18 साल से उस बूढ़ी माँ को नहीं देखे, अब इलेक्शन आते ही तुम्हारे को याद आ रहा है, अब इलेक्शन आते ही आप उसको उठा रहे बगल में लेके, आप इलेक्शन आते ही उसके तरफ देख रहे हैं। ऐसे नकली लोगों को, उनके बातों को कभी उसके भूल उसमें झांसे में नहीं आना चाहिए। जो लोग दिल से चाहते हैं, दिल से आपका काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो आदिवासियों को हक दिलाया, दलितों को हक दिलाया, क्या इन्होंने दिलाया? अरे इन्होंने देश के आजादी के लिए भी नहीं लड़ा, और ऐसे लोगों की बात करते हो? तुमको बुनियादी हक देने वाला कौन सी पार्टी है? आदिवासियों को भी मैं पूछता हूं, बुनियादी हक देने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने दस्तूर लिखा, कांग्रेस ने सब कुछ समाया, ये सब करके आज देश को बनाया है। देश में इतने कॉलेजेस बन गए, इतने स्कूल्स बन गए, और भी बनाना, और ये लोग सिर्फ बातें करते फिरते हैं। लेकिन आपको सबसे फायदा होगा, केजी से लेकर मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन देने का अभी हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की, आप सुने ना, आप लोगों को शिक्षा के लिए वो मदद कर रहे हैं, और शिक्षा ये इंसान के लिए अवश्य होती है। उसीलिए अंबेडकर ने कहा था, पढ़ो इतना पढ़ो ताकि सारी दुनिया डरे, यानी विद्या हासिल करो। इसीलिए नेहरू जी ने बड़े बड़े कारखाने बनाए, बड़े बड़े डैम्स बनाए, क्यों? कि पहले हमारे आर्थिक मजबूती हो, लोगों को एक उनको खुशहाली की तरफ ले जाने का था। लेकिन यहां पर वो कुछ नहीं, जो है वो बेच के खा रहे हैं। कोई अदानी को बेच रहा है, कोई इसको अंबानी को बेच रहा है, कोई और किसी को बेच रहा है, हमारे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हमारे पोर्ट बेच रहे हैं, हमारे हर चीज बेच रहे हैं। बेच के ये लोग बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन लोग होशियार हो गए और अब वो बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे, कांग्रेस को जरूर जिताएंगे। इतना कहते हुए, जो हमारे दो कैंडिडेट हैं, यहाँ दो है ना, आप एक, हाँ पांच है, पांच, एक बार नमस्कार करो भाई, फिर करते क्या नहीं मालूम नहीं, अब तो करो। पांच हमारे कैंडिडेट है और इनको वोट देकर आप जिताओ,
हाथ के बटन पर दबाओ और दबाकर एक बार फिर आप हमारी पार्टी को या उसकी हुकूमत बनाएंगे, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। तो मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं और दो जयघोष मैं करता हूं, आप सारे लोग इस जयघोष को पीछे रहना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद, नमस्कार, जीत के लाभ।